Good morning, my dear student. Most welcome to the online classes of SBPS. In this video for 7th class, lesson number 7, I am teaching you comparison of adverbs. In comparison of adverbs, I have taught you that adverbs are compared by degree, and degrees are of three types. ये तीन प्रकार होती हैं, which I have taught in the last video. Yesterday video जो मैंने पढ़ा दी हैं, but today I will teach you formation of comparative and superlative degree. कि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म की जाती है. देखिए इसमें पॉइंटेज होंगे बेटा, आपका फर्स्ट पॉइंट होता है जो मैं बोलूँगा आप उनके लिखोगे. देखिए मोस्ट ऑफ द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव आर फॉर्म बाई एडिंग ई आर एंड एस टी टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द मोनो सिलेबस वर्ड. जैसे कि अधिकांश होते हैं बनाई जाती है, जैसे लॉन्ग हो गया आपका आई ओ एन जी, इसमें हम आई ओ एन जी ई आर लॉन्ग, एंड इसमें सुपरलेटिव में ये पॉजिटिव कंपरेटिव हो जाएगा पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट, इसमें टी एस टी जोड़ते हैं. सेकेंड पॉइंट होता है कि इफ एडजेक्टिव एंड इन ई, अगर कोई एडजेक्टिव आपका ई से अंत होता है तो बी राइट ओनली आर एंड एस टी टू मेक देयर कंपरेटिव एंड तीसरा पॉइंट होता है इफ एन एडजेक्टिव एंड इन बाई, अगर कोई एडजेक्टिव का अर्थ बाई से अंत होता है जैसे बिजी, तो बी मेक इट्स कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव बाई ड्रॉपिंग बाई, बाई को ड्रॉप कर देते हैं एंड रिप्लेसिंग बाई इनटू आई एंड देन एड ई आर एंड ई एस टी. बाई को हम आई कन्वर्ट कर देते हैं, इसके बाद ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं. जैसे कि बी यू एस आई लगा दिया, आप ई आर लगा दो बी जी एस और बी जी एस बी यू एस आई पी एस आई एस टी बी जी एस पी एस टी, इस तरीके से. एंड मीन्स की फोर्थ फंक्शन, देर आर सम एडजेक्टिव विच हैज मोनो सिलेबल, जिसमें एक ही सिलेबल होता है. एंड सच वर्ड जैसे कि थिन, टी एच आई एक बार पढ़ा गया, इस तरह थिन हो गया, बिग हो गया आपका है, हेड हो गया, रेड हो गया, मीन्स वन सिलेबस. तो जब भी इसका हम फॉर्म करते हैं कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, देन वी डबल द लास्ट वोवेल, लास्ट वोवेल उसे डबल कर देते हैं एंड देन एड ई आर एन ई एस टी. जैसे थिन हो गया, थिन का क्या होता है थिनर, ई आर और थिनेस्ट, टी एच डबल एन ई एस टी थिनेस्ट हो गया. Now, and the adjective which has more than one syllables, जिसका एक से ज्यादा syllables होता है बोलने की रीति, बोलने का उच्चारण. जैसे कुछ वर्ड होते हैं पॉलीसिलेबिक होते हैं, कुछ मोनोसिलेबिक होते हैं. मोनो मीन्स वन, जो एक सिलेबिक मोनो ये हो गया थे, एंड पॉली हो जाएगा जैसे कि ब्यूटीफुल बी ई यू टी आई एच यू आई, तो ब्यूटीफुल टू टाइम बोला गया. तो इन दिस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव वी डू नॉट एड ई आर और एस टी, बट वी राइट बिफोर सुपर कॉम्परेटिव मोर एंड बिफोर सुपरलेटिव मोस्ट. तो इसमें हम मोर लिखते हैं, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से लिख देते हैं. एंड देयर आर सम वर्ड, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं विच हैव देयर इररेगुलर फॉर्म, जिसका कोई रूल अप्लाई नहीं होता है. मैंने बोला जैसे कि गुड हो गया आपका, गुड के सुपरलेटिव बेटर और ये बेस्ट बी एस टी, और भी हो जाएंगे आपके लिटिल लेस लिस्ट लिटिल कम एल आई डबल टी ईयर, इसका हो जाएगा लेस और लेस उससे कम और लिस्ट सबसे कम, इसका होता है. टू पॉइंट आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मिंग कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे
सुपरलेटिव से आता है, राम श्याम से मोटा है, तो से के लिए हम देन लगाते हैं। एंड देन बिफोर एवरी कॉम्पिटेटिव डिग्री वी यूज द, हर एक कॉम्पिटेटिव डिग्री में द यूज किया जाता है, आइदर द और पजेसिव प्रोनाउन या फिर पजेसिव प्रोनाउन हिज लार्जेस्ट एंबिशन इस तरीके ले सकते हो सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, आई हैव टोल्ड यू 6 पॉइंट्स which you will write completely by listening my speech from the video. That's all for this video.